आइए साइंस में लेसन नंबर 14 में एक आपका टॉपिक है प्रिंस बाबू, भूतापी और ऊर्जा। पहले इसका अर्थ हम लोग समझते हैं क्या है। अच्छा, भू का मतलब होता है भूमि, भू का मतलब क्या होता है भूमि, और तापीय का मतलब होता है ताप, ताप के द्वारा, और ऊर्जा का मतलब होता है जो ऊर्जा प्राप्त होता है। अच्छा देखो, हम आपको बता दें इसके कई रूप होते हैं भूतापीय के, यानी जो भूमि होती है, जो जमीन होती है, उसके कई ऊर्जा होते हैं। जब भी आप बात करेंगे, जब पृथ्वी के अंदर आप देखेंगे, खगोलीय जो वैज्ञानिक वगैरह होते हैं, जो भूगर्भीय वैज्ञानिक होते हैं, वह पृथ्वी के अंदर के हिस्सा को देखते हैं, तो भौतिक परिवर्तनों के कारण भू परपट्टी किसे कहते हैं, जो पृथ्वी के ऊपरी परत होता है, माने पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को भू परपट्टी कहते हैं। माने भौमिकीय परिवर्तन के कारण भू परपट्टी में गहराई पर तप्त क्षेत्र में पिघली चट्टाने ऊपर ढकेल दी जाती है, जो कुछ क्षेत्रों में एकत्रित हो जाती है, इन क्षेत्रों को तप्त स्थल कहते हैं। तप्त स्थल किसे, तप्त माने क्या होता है, गर्म, कहीं भी तप्त के बात आई तो गर्म होता क्या, जमीन के नीचे देखो, और जमीन के नीचे क्या होता है, सुनो ध्यान से, जमीन के नीचे कभी कभी खूब ताप बढ़ जाता है, तो जमीन के नीचे कभी कभी ताप बढ़ जाता है, तो अब उसके अंदर जानते हो क्या होता है, वो ताप बाहर निकलने की कोशिश करता है कि हम कहाँ से निकले, हम क्या करें, कहाँ से निकले, और जहाँ जमीन कमजोर पाया वही जैसे बाहर निकलता है, वहीं से क्या होता है बाहर निकलता है, इसी को ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। अब सुनो, कभी 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 इस तप्त जल को पृथ्वी के पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए विकास मार्ग मिल जाता है, इन विकास मार्गों को गर्म चश्मा या उष्मा स्रोत कहते हैं। कभी कभी यह भाप चट्टानों के बीच में फंस जाता है और वहाँ उसका दाब अत्यधिक हो जाता है, तप्त स्थलों तक पाइप डालकर इस भाप को बाहर निकाल दिया जाता है। उच्च दाब पर निकली यह भाप विद्युत जनित टरबाइन को घुमाती है, जिससे विद्युत उत्पादन होता है। इसके द्वारा विद्युत उत्पादन की लागत अधिक नहीं है, परंतु ऐसे बहुत कम क्षेत्र है जहाँ व्यापारिक दृष्टिकोण से इस ऊर्जा का दोहन करना व्यवहारिक होता है। न्यूजीलैंड और अमेरिका में इस प्रकार के कई मनयंत्र स्थापित किए गए। जन भूतापीय बान आता है प्रश्न में कि भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग किन किन देशों में किया जाता है, तो दो देश में, न्यूजीलैंड और एक संयुक्त राज्य अमेरिका। अब इस सूरत क्या होता है, देखो ध्यान से, होता ही है कि मान लो ये पृथ्वी है, कहाँ है आपका, एकदम ध्यान से समझना, अब ये पृथ्वी है और पृथ्वी के नीचे क्या हो गया कि मान लो खूब ज्यादा ताप बढ़ गया, खूब ज्यादा क्या हो गया, ताप बढ़ गया, ठीक, चलो ताप बढ़ गया। ताप बढ़ने के कारण होता ही है कि जब ये ताप बढ़ जाता है तो कभी कभी होता ही है, ध्यान से देखना कि जो चट्टाने होती है, ये चट्टाने है सब पृथ्वी के अंदर पाई जाती है चट्टान, देखना कभी कल वगैरह हलाया जाता है नहीं तो पत्थर पड़ जाता है, तो तुरंत हालत तो लोगों खराब हो जाता है, उसी को चट्टान कहते हैं। तो होता क्या है कि ये जो तेज माने खूब गर्म जो भी माने पदार्थ है, तप्त खूब गर्म वायु जो भी आपका है, जल है जो भी है, तो ये इकट्ठा हो गई। अब क्या किया जाता है कि इकट्ठा होने के बाद इसको बाहर निकाला जाता है, उसको हम लोग चश्मा घर कहते हैं, चश्मा स्रोत या स्रोत कहते हैं, इसे इसको निकाल, कौन चश्मा, गरम चश्मा। अच्छा, गरम चश्मा इसलिए कहते हैं, चश्मा माना होता है माने वो रास्ता जिससे इसको निकाला जाएगा, तो खूब ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है तो इसमें अंदर की तरफ खूब पाइप डाल देते हैं, क्या करते हैं, पाइप डाल देते हैं अंदर की तरफ जहाँ माने निकलने वाला है। वो सब वैज्ञानिक होते हैं ना, वह उन लोग के पास एक यंत्र होता है, किरणों को डालते हैं और पृथ्वी के अंदर किरणें जाती है, उन लोग को पता चल जाता है कि यहाँ पर पेट्रोल कहेंगे निकलता है, यहाँ पेट्रोल है कि नहीं है, इसको भी जांच क्या करते हैं, किरणें, वो उनके पास यंत्र होता है, किरणें होती है, वो किरणों को छोड़ते हैं जमीन के अंदर जाती है, और पेट्रोल होता है चाहे नहीं है टकरा करके वापस आती है, फिर वो यंत्र घूम जाता है और उसे उसको पता चल जाता है कि इसमें पेट्रोल है कि नहीं, वहीं कोयला का भी पता चलता है, सब उसे ही पता चलता है। तो पाइप डाल दिया जाता है इसके अंदर, ठीक है, अब इसके बाद से इसके अंदर का जो ताप होता है, जो उष्मा होता है, बाहर निकलता है, अब बाहर एक टरबाइन लगा देते हैं इस तरीके से, क्या करता है, समझो इतना शक्तिशाली होता है कि जैसे ही बाहर निकलता है वैसे ही टरबाइन तेजी से नाचने लगता है, और जब टरबाइन नाचता है तो नाचने के बाद जो भूतापीय ऊर्जा जो दी जा रही थी वह किससे बदल जाती है, वैद्युत ऊर्जा बदल जाती है, किससे बदली, वैद्युत ऊर्जा, समझे, बता दें सब लोग क्या कहा गया, सुनो इधर सुनो, रखो ना उस सब समझो तो नहीं, अब तुम लोग ये कहा गया कि मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर ताप बहुत अधिक बढ़ गया, बहुत अधिक उसके अंदर गर्मी बढ़ गई,
तो जो ताप होता है वो जलवाष्प के रूप में जा करके चट्टानों में एकत्रित हो जाता है, चट्टानों में छिद्र होते हैं उसमें जा कर एकत्रित हो जाते हैं, और फिर हम लोग पता करते हैं कहाँ एकत्रित हुआ है, और फिर उसके बाद से उसमें हम लोग पाइप डालते हैं। और देखो माने समझो कि पृथ्वी के अंदर इतना दाब है कि डालते ही वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जगह पेट्रोल बा, आप पढ़े होंगे पेट्रोल के खनन, जैसे वैज्ञानिक को पता लग जाता है कि जब पेट्रोल है ना तो उसमें पाइप डालते हैं, अब पाइप डालते ही गनगना के ऊपर पाइप आपका फेंकने लगता है, कहाँ पेट्रोल, इतना नीचे दाब है। जितना ही मैंने पतला पाइप रहेगा उतना ही तेजी से बाहर फेंकता है, और जितना ही मोटा रखेगा उतना ही धीरे धीरे फेंकता है। तो वही होता है, क्या कहता है, जलवाष्प एकत्रित था, अब उसने क्या किया, इसके अंदर पाइप को डाला जाता है, अभी जलवाष्प तेजी के साथ बाहर निकलता है, टरबाइन लगाया गया होता है, टरबाइन से जलवाष्प टकराता है, टरबाइन तेजी से नाचने लगता है, और फिर जो भूतापीय ऊर्जा था वो वैद्युत ऊर्जा में क्या होता है, बदल जाता है। भाई टरबाइन नाचेगा ना, जैसे जनरेटर नाचता है, जनरेटर के जब वह टरबाइन होता है जो भी हमारा आर्मेचर होता है नाचता है, तो जो यांत्रिक ऊर्जा होता है वो किसमें बदल जाता है, विद्युत ऊर्जा। क्या कर रहे हैं आप, आपके लिए मैं इतना चिल्ला रहा हूँ देख रहे हैं और आप सुन ही नहीं रहे, क्या फायदा होगा बताइए, क्या पढ़ोगे तुम लोग। चलो तो इसी को हम लोग कहते हैं कौन सा ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, समझ में आया, बताओ। अच्छा अपने मन से लिख लो कि लिखवा देता नहीं, अब जैसे तुम लोग कहो कहो तो लिखवा सकते हैं, अभी जाकर के जब छुट्टी होगा तो घर बैठ के लिख लेना। जैसे आपके एक बार समझ लो, भूतापीय ऊर्जा का मतलब ये होता है कि जो भूमि के भूमि जो है भूमि के नीचे ताप बहुत अधिक बढ़ जाता है, उसमें बहुत अधिक बढ़ जाता है और जलवाष्प के रूप में एकत्रित हो जाता है, जलवाष्प के रूप में, अब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो होता क्या है कि कभी कभी जाकर चट्टानों में पूरा जौन ऊर्जा था जौन ताप था जाकर फंस गया। फंसने के बाद क्या होता है, वैज्ञानिकों लोग को पता चल जाता है कि इसी एरिया में भूतापीय ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में एकत्रित हुआ है, तो क्या करते हैं उसको पाइप उसमें डाल देते हैं, और पाइप से ये बहुत तेज़ी के साथ जो अंदर जलवाष्प था जो कि ताप के रूप में स्थित था तेज़ी से निकलता है, और जब ये तेज़ी से निकलता है तो जो टरबाइन होता है जो कि ऊपर स्थापित किया गया होता है वो टरबाइन नाचने लगता है, और फिर जो भूतापीय ऊर्जा था वो कैसा बदल जाता है, विद्युत। तुम लोग तो लिखवाए हैं ना, तो तुम लोग तो जाने गए हो कैसे लिखा जाता है, तुम लोग भी सीखिएगा इसको। अच्छा ये हर एक देश में इसका यूज नहीं कर सकते हैं, जहाँ विकसित राष्ट्र होगा वहीं पर, न्यूजीलैंड में इसका अधिकतर प्रयोग किया जाता है, और फिर आपके अमेरिका में अधिकतर प्रयोग किया जाता है, कम जगह है ना, जहाँ से निकलता है ना, जिस स्थान से खोद कर निकाला जाता है उस स्थान को, जिस स्थान से खोद कर निकल कर बाहर निकाला जाता है उस रास्ता को या उस स्थान को हम लोग गर्म चश्मा कहते हैं, क्या कहते हैं। अच्छा अगर आपसे पूछ दिया कि गर्म चश्मा किसे कहते हैं तो आप जरूर याद रखना कि वह माने जलवाष्प को या ताप को बाहर निकालने वाला जो रास्ता होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जलवाष्प। सब लोग याद हुआ, याद हुआ ना तुम लोग को, जहाँ से माने उष्मा निकलता है, जहाँ से जलवाष्प बाहर निकलता है उसी स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, गर्म चश्मा कहते हैं। एक और ही चीज याद रखना, तप्त स्थान, तप्त तप्त माने होता है गर्म, जहाँ माने पूरा माने पृथ्वी के अंदर जिस स्थान पर सारा ताप जाकर एकत्रित हुआ है, सारा जलवाष्प गर्मी के रूप में ताप के रूप में एकत्रित हुआ है उसी स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, तप्त स्थान कहते हैं, तप्त माने होता है गर्म, वहीं पर जाकर जहाँ पे एकत्रित हुआ है उसी को हम लोग कहते हैं तप्त स्थान, समझे। अच्छा कितने लोग इसके बारे में पूरा बता सकते थे, हाथों पर करेंगे, कितने लोग बता सकते हैं, फिर भी अभी नहीं बता पाएंगे। अच्छा अपना मन से लिख लोगे, वो लिखा के भाई जब पता नहीं चल लगता, अरे मैं क्या भाई जमीन हो गई, नीचे कहा हो गई जमीन, और वही में गर्मी जाके इकट्ठा हो गई बा जमीन में, का गर्मी, गर्मी के बहरी निकाले के बाद लप पाई हूर तो गर्मी निकला था ऊपर टरबाइन लगा था नचता बस आ जन निकला उषमा वो वैद्युत ऊर्जा में क्या होता है चेंज, इतना ना लिखा सकेला, आ ये लिख सकल, इतना जो जमीन में हलाने का कार्य करता है वो खाली न्यूजीलैंड में और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वही विकसित आपका होता है। अभी ना लिखा भाई, सुमित लिख लेगा, क्या लिखबे, कौन है जमीन के नीचे गर्मी और गर्मी को निकल कर पाइप पाइप निकल नहीं जब टरबाइन ना चल भाई, तो मैं चेंज
दिखा जाएगा। चलो आगे मिटाते हैं इसको। अरे हम तो लिखाओ कम से कम, अरे ना लिखला के वजह से, माने ना लिखला के जगह पे इतना तो कम से कम लिखाओ, ये बात होगा। चलो अब आओ दूसरा, अगला सुनो। नाभिकीय ऊर्जा, कौन ऊर्जा? नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। ए मर्द है, जौना परिवार में आप लोग रहते हैं वही परिवार में हम भी रहते हैं, कोई अंतर नहीं। जौन आप खाते हैं तो हम भी खाते हैं, जौन आप करते हैं तो हम भी करते हैं, ध्यान रखना। लेकिन है तनी हमारा दिमाग ज़्यादा विकसित है, आपका दिमाग तनी कम विकसित है, और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, आपके पिताजी भी कोशिश कर रहे हैं कि आपका भी दिमाग हम लोग के जैसा विकसित हो जाए, इसीलिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। जौन माने आदमी कुछ अलग अलग सोचा था, उस सोच के बड़ा करे, हम लोग का दिमाग विकसित हो जाए, हम लोग भी गनागन ऐसे बताते रहे, आगे बढ़ते रहे, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा, पहले नाभिकीय ऊर्जा के पहले हमने के नाभि के चर्चा करेंगे, किसकी? नाभि की। तो सुनो ध्यान से, बहुत अच्छी बात पढ़े। नाभि जगह जितने भी परमाणु संसार में, सुनो ध्यान से, संसार में जितने भी पदार्थ हैं, सभी पदार्थ किससे मिलकर बने हैं? परमाणु से। नाभिक मत करना, परमाणु से मिलकर बने होते हैं। आप परमाणु के छोटे से भाग में नाभिक पाया जाता है, उसके केंद्र में, परमाणु के छोटे से भाग में क्या पाया जाता है? नाभिक पाया जाता है। नाभिक किससे मिलकर बना होता है? हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। नाभिक किससे मिलकर बना होता है? आप सुनो, अब हम आपको बता देते हैं। इस नाभिक को सुनो ध्यान से बाबू, इस नाभिक को जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है, जब हम लोग तोड़ते हैं, आ कैसे तोड़ेंगे? अल्फा कण के बमबारी करके तोड़ेंगे, माने कोनो ना कोनो पदार्थ इसके ऊपर डाला जाएगा, कोनो ना कोनो पदार्थ इसके ऊपर क्या किया जाएगा? मानो नाभिक है ये, हमने इसको डाला, ये भारी नाभिक है, ये हल्के हल्के नाभिक में क्या हो गया? टूट गए। तो जब ये टूटते हैं तो आपको बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलता है, बहुत अधिक मात्रा में कोनो चीज़ को तुरंत तो ऊर्जा जरूर निकली। तो अब इसी ऊर्जा का प्रयोग हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्यों में करते हैं, चाहे तो विद्युत बल्ब जलाओ, चाहे तो कोई फैक्ट्री चलाओ, चाहे तो आपको पंखा चलाना हो चलाओ, कंपनी में दो, पावर प्लांट में दो, तो इसी को हम लोग कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। मैं सिंपल सी बात है कि नाभिक के विखंडन से, यानी विखंडन मतलब टूटने से जो ऊर्जा प्राप्त होता है, उसी को हम लोग नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और इस नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्यों में करते हैं, वैद्युत बल्ब को जलाने में करते हैं, पंखा को चलाने में करते हैं, पानी को गर्म करने में करते हैं, हीटर को चलाने में प्रयोग करते हैं। हीटर का हाथ तो बहुत गर्मी है, इस समय तुम लोग गर्मी नजर आ रही है, ठंडा खत्म हो गया, जो तो खिचड़ी के नहा के छूले होती है ठंडा खत्म। तो भाई आपका होता है नाभिकीय ऊर्जा, तो समझे हो? माने कहता है कि संसार में जितने भी पदार्थ होते हैं वो सभी पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से। अब परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं? नाभिक से। और नाभिक किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। याद हुआ सबको? परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, नाभिक। और जब उस नाभिक को तोड़ा जाता है, जैसे अल्फा कण की बमबारी करिए या न्यूट्रॉन की बमबारी करिए, तो नाभिक टूट जाता है। जब नाभिक टूटता है तो उससे कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? नाभिकीय ऊर्जा, या जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इसका प्रयोग हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्यों में करते हैं, विद्युत बल्ब को जलाने में, पंखा को जलाने में, फैक्ट्री को चलाने में, तमाम प्रकार के कार्यों में हम लोग करते हैं। तो याद हुआ नाभिकीय ऊर्जा? यार लिखने जरूरी है कि दो चार बार सुन लो, सब याद कर लो, लेकिन लिख जरूर लेना अपना मन से, ध्यान रखना। माने जो जितने भी परमाणु होते हैं वो उसके अंदर नाभिक पाया जाता है, नाभिक छोटे से भाग में पाया जाता है, नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से पाया जाता है, और जब उस पर अल्फा कण की बम, अल्फा कण जरूर कहना, या अगर भुला जाता तो ऐसे कहना कि जब नाभिक को तोड़ा जाता है, जब नाभिक को क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है, बात मत करा, जब नाभिक का तोड़ा जाता है तो उस समय क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा। उसी ऊर्जा कहते हैं हम लोग नाभिकीय ऊर्जा। क्या वाला नाभिकीय ऊर्जा बताइए? हाँ, उसे क्या कहते हैं? बहुत मेहनती लड़का है, ठीक है, जब सूख जाता है तो उठने का मन नहीं करता है, इसी को हम लोग कौन सा ऊर्जा कहते हैं? सबको याद हुआ? बताइए मेरे नाभिकीय ऊर्जा क्या वाला?
होपलेस नहीं किसी तरीके से। हाँ माने यही लगा था कि कहाँ से शुरू करा है वो या शुरू कर जाने खत्म है। नाभि के विखंडन से जो ऊर्जा हम प्राप्त होती है नाभि की ऊर्जा, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? बल्ब को जलाने में, पंखा को, फैक्ट्री को चलाने में, हीटर को। चलिए तो बता सकते हैं सब लोग, सब लोग को याद हो गया। प्रिंस तनी बताओगे नाभि की ऊर्जा? बोला यार नाभि की बार नाभि के विखंडन कर दे, तूर दे, अधिक से ऊर्जा निकलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इसका प्रयोग हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्यों में करते हैं, विद्युत पंखा को चलाने में, विद्युत बल्ब को चलाने में, तमाम प्रकार के कार्यों में इसको करते हैं। सब लोग याद होगा का? सब लोग बता दोगे ना? अच्छा नाभिकीय विखंडन आ जाओ, नाभिकीय विखंडन आ जाओ, नाभिकीय विखंडन पर आ जाओ, सुनो ध्यान से। ये तो नाभिकीय ऊर्जा था, अब एक बात करते हैं हम लोग नाभिकीय विखंडन। देख लो क्या क्या पढ़े, पहला भूतापीय ऊर्जा पढ़े, उसको आपको भुलाना नहीं है, याद करना है। दूसरा नाभिकीय ऊर्जा पढ़े, तीसरा आप चल रहे तब सामाजिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तीसरा आपका है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। इसमें लिख लेना कि जब, लिख लो तनि इसमें कि जब भारी नाभिक पर, जब भारी नाभिक पर अल्फा कणों की बमबारी की जाती है तो भारी नाभिक हल्के नाभिक में टूट जाते हैं। हल्का पिया लेकिन नाभिक में गरम पिया लेकिन राम पिया बियर पिया लेकिन डियर के हाथ से पिया। तो जब भाई नाभिक में अल्फा कणों की बमबारी की जाती है तो भाई नाभिक हल्के हल्के नाभिक में टूट जाता है तथा बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं, परमाणु बम का नाम सुने हो? वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। तनी एक समीकरण माने से उदाहरण में लिख लो। दुकान में लिखवा देते उदाहरण। परमाणु बम एटम बम अंग्रेजी में कहते हैं इसको, एटम बम। बहुत खतरनाक है ये परमाणु बम है, नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराया गया था। बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है तो भारी नाभिक है, उस पर हमने अल्फा कण की बमबारी किया था, हल्के हल्के में टूट गए। विखंडन का मतलब क्या होता है? टूटना। विखंडन का मतलब होता है टूटना। तो कोई भारी नाभिक है टूट जाता है, हल्के हल्के नाभिक में टूट जाता है तथा बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। परमाणु बम लिख लो, एटम बम, परमाणु बम उदाहरण हो जाए। याद हुआ सबको? बता दे भाई अमृत का। जब भारी नाभिक पर अल्फा कणक बमबारी की जाती है तो तो बताओ, पूरा बताओ, थोड़ी को बता दी। चलिए अब आइए नाभिकीय संलयन। लिखा गया सबका? लिखा गया सजात, कोई दिक्कत भाई मेरे? अरे विखंडन मतलब टूटना है, टूटा भाई, टूटा भाई, मार ला टूटा का, टूट गया ना, अजू तो मार ला टूटा का, टूट गया ना, अजू तो मार के टूट जाए ना, गिरा दो ना, गिरा नाभिकीय संलयन मिटा देना इसको, जल्दी लिखो। नाभिकीय संलयन चार हेडिंग आज पढ़े, सबको याद हुआ ना? नाभिकीय संलयन, संलयन का मतलब होता है जुड़ना। हई हल्का दोनों जुट गए, मान लो हल्का, हई हल्का ये भी हल्का है,
हल्का हल्का है दोनों, दोनों आपस में क्या हो गए, जुट गए, और जुट करके भारी नाभिक का निर्माण किए, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, नाव किया मन हल्का हल्का दोनों जुट गए तो क्या बन गया भारी। देखो टाइम टेबल निकल जाएगा आज तो आपकी पढ़ाई की रेशियो बढ़ जाएगी, सुबह शाम दोनों टाइम पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि वही अरे माने तनी निकल जाता है तो तनी आदमी को उत्साह होता है कि आप पढ़ाई हम लोग करें। तो हल्का हल्का नाभि के दोनों आपस में दोनों क्या हो गए ज्वाइंट हो गए, तो किसका निर्माण कर दिए, भारी नाभि का। हाँ तो उसी को क्या कहता है, अच्छा एक चीज जरूर याद रखना बाबू, हाइड्रोजन बम का नाम सुने हो, परमाणु बम से भी बहुत खतरनाक होता है, एक हाइड्रोजन बम गिर जाए पूरा दुनिया साफ हो जाएगा, खाली एक को बस सेलेसा की दुकान बची बाकी सब वो भाई पक्का उस पर है ना बुलेट प्रूफ हुआ घर है। अच्छा आप देखते हो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का नाम आपने सुना है, प्रधानमंत्री का अगर उसके साथ जहाँ भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो देखो प्रधानमंत्री के साथ तीन लेयर के सिक्योरिटी गार्ड होती है, जब उसके पास रहते हैं वो करा बगल में, वो करा बगल में, आ अगर प्रधानमंत्री जब चलते हैं तो 5 किलोमीटर आगे उसके गार्ड भी और चलते हैं ये पता करने के लिए कि कोई रास्ता तो जाम नहीं है, 5 किलोमीटर इधर और 5 किलोमीटर पीछे रहते हैं, और समझ रहे हो 5 किलोमीटर इधर 5 किलोमीटर इधर 5-5 किलोमीटर होते हैं, कोई पीछे से आ तो नहीं रहा पूरा, और देखना एक उसके साथ दो आदमी या एक आदमी रहते हैं जो बैग लेट के बुलेट प्रूफ होता है, कोई भी हमला होने वाला होता है खोल देता तुरंत, उसमें पैक हो जाते हैं प्रधानमंत्री, कुछ भी कितना ही होगा कुछ उसको नहीं होगा, बात समझे ना, बैग बुलेट प्रूफ रहता है, समझे, लोग देखेंगे तो कहेंगे बैग है, जैसे ही टिपेंगे पूरा खुल जाता, पूरा पैक हो जाएंगे, समझ रहे ना, उतना सिक्योरिटी गार्ड है उनके पास, फिर भी गए थे पंजाब में तो कितना दिक्कत हुआ देखे थे ना आप लोग। चलिए नाभिकीय संलयन, तो हाइड्रोजन बम बहुत खतरनाक होता है, संलयन का मतलब होता है जुड़ना, संयोग करना, ऐसा सुनो बतियाओ मत, संलयन का मतलब होता है जुड़ना, संलयन का मतलब इसमें हल्के हल्के नाभिक आपस में जुड़ करके भारी नाभिक क्या करते हैं निर्माण करते हैं, याद हुआ सबको, तो लिख लो हाइड्रोजन बम इसी पर आधारित होता है, लिख लो इज्जा बम, हल्के हल्के नाभिक आपस में जुड़कर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं, तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं, जब हल्के हल्के नाभिक आपस में जुड़कर भाई नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। उदाहरण में लिख लो ना, हाइड्रोजन बम। अच्छा नोट में एक चीज जरूर लिख लेना कि सूर्य का ऊर्जा नाभिकीय संलयन के कारण ही हमेशा उपस्थित रहता है। मां सूरज के अंदर कभी ऊर्जा कम नहीं होता है, नाभिकीय संलयन के कारण ही जो हाइड्रोजन होता है हीलियम में बदलता रहता है, ध्यान रखना, जो हाइड्रोजन होता है किससे बदलता रहता है, ये होता है नाभिकीय संलयन, कौन संलयन, नाभिकीय संलयन। चलो समाजी के पास अब कदम रखेंगे।